2017 में होने वाले 350वें प्रकाश उत्सव की तैयारी जोरों पर है। उत्सव पर्व के अब कुछ ही समय बच गए हैं, ऐसे में टेंट सिटी का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस बार गुरु पर्व में देश और विदेश से लगभग 50 लाख से ऊपर की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन श्रद्धालुओं के ठहरने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था को लेकर पटना का गांधी मैदान, कंगन घाट, किला घाट और बाईपास इलाके में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। गंगा किनारे की 17 एकड़ जमीन पर टेंट सिटी का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 17 एकड़ में काम है, बट क्या है कि ये लंगर एरिया है, टोटल लंगर एरिया है। ये पूरा इसमें खाने होने का जो इनका बन रहा है टेंट सिटी, बाकी जैसे जो पॉन्ड है, जो गड्ढा दिख रहा है, इसके साइड में टेंट सिटी लगने वाला है। बाकी का 17 एकड़ में अब हमारा काम हो रहा है। यहाँ की 17 एकड़ जमीन को दो भागों में बांट दिया गया है, जहाँ एक भाग में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था और दूसरे भाग में लंगर की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फाइबर सीट की घेराबंदी कर पोर्टेबल टॉयलेट और पोर्टेबल बाथरूम का निर्माण किया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लाइव सिटीज के लिए पटना सिटी से प्रवीण कांत की रिपोर्ट।